ताजा अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और साथ ही बेल आइकन को दबाएं। आम आदमी पार्टी के प्रदेश कार्यालय में आप उपाध्यक्ष रजिया बेग और आप प्रवक्ता संजय भट्ट राकेश काला ने एक प्रेस वार्ता की। आप प्रदेश उपाध्यक्ष रजिया बेग ने बताया कि आपके वरिष्ठ नेता और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के मंत्री मदन कौशिक के साथ होने वाली डिबेट की जानकारी देते हुए कहा कि मनीष सिसोदिया जी आगामी 3 जनवरी को देहरादून पहुंच रहे हैं और 4 जनवरी को देहरादून के IRDT ऑडिटोरियम में उनको डिबेट के लिए आमंत्रित किया है, जिसके बाद उन्हें दिल्ली मॉडल पर डिबेट और दिल्ली के विकास को दिखाने के लिए उन्हें 6 जनवरी को दिल्ली भी आमंत्रित किया है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री एवं शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने उत्तराखंड के शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक को पत्र भेजा है, जिसमें उन्होंने 4 जनवरी सुबह 11 बजे देहरादून के IRDT ऑडिटोरियम में केजरीवाल मॉडल बनाम त्रिवेंद्र रावत मॉडल पर खुली बहस के लिए निमंत्रण दिया है। साथ ही कहा कि मैं दिल्ली के कार्यों पर चर्चा के लिए आपको 6 जनवरी को दिल्ली आने के लिए निमंत्रित करता हूं। मैं आपको केजरीवाल सरकार द्वारा सरकारी स्कूलों, अस्पताल, बिजली, पानी, महिला सुरक्षा और ईमानदार राजनीति आदि के क्षेत्रों में हुए अभूतपूर्व कार्य दिखाऊंगा। डिप्टी सीएम ने कहा कि उत्तराखंड के लोगों के लिए इससे अच्छा कुछ और नहीं हो सकता कि वह अपने वर्तमान और भावी नेताओं को स्कूल, अस्पताल, बिजली, पानी आदि मुद्दों पर खुली बहस करते देखें और उसी आधार पर अपने मताधिकार का प्रयोग करें। मेरे संज्ञान में ये बात सामने आई है कि त्रिवेंद्र रावत सरकार ने पिछले 4 साल में उत्तराखंड के लोगों के लिए कोई उपयोगी काम नहीं किया है। लोग उनका परिचय जीरो वर्क सीएम कहकर देते हैं। सब सीएम के चेहरे बराबर के ही हैं। नहीं देखिए, मैंने एक बार रिपीट की थी, शायद उस चीज को सुन नहीं पाया। यहाँ सीएम चेहरे की लड़ाई नहीं है, यहाँ तो काम की लड़ाई है। हम लोग काम के लिए लड़ते हैं। अभी तक आपने ऐसा नहीं सुना होगा कि कोई दावेदारी कर रहा है कि मुझे सीएम बनना है, मुझे सीएम बनना है। ये कांग्रेस वाली प्रथा हम यहाँ लेके नहीं चलते। तो चेहरा तो आगे होगा, सीएम तो बनेगा नहीं, वक्त आने पे पता लग जाएगा। शीर्ष नेतृत्व तो इसको तय करेगा। हमारे को तो ये है कि हमें काम करना है, जो काम में बेहतर निकलेगा नेचुरली उसको मौका मिलना चाहिए, युवाओं को मौका मिलना चाहिए, अच्छे व्यक्ति को मौका मिलना चाहिए। बिल्कुल, सारे मुद्दे छोड़कर इन्हीं मुद्दों पे बात होनी चाहिए। आज जनता काम मांग रही है, आज जनता चुनाव कराना चाहती है तो काम के मुद्दे पे कराना चाहती है। आपने कितने काम किए, आप गिनवाइए काम। क्योंकि होता क्या था कि सरकारें अपनी मनमर्जी करती थी और काम करके करा नहीं करा चली जाती थी। लेकिन आज एक परंपरा आम आदमी पार्टी ने डाली है कि अगर आप कोई काम करते हैं तो जनता को उसकी जानकारी होनी चाहिए, ना कि फाइलों में दब के सारे काम रह जाने चाहिए। दिल्ली में हम आपको खुद बताएंगे, दिल्ली बुलाए तो आप कह रहे हैं यहाँ पे, आपको लगता है लोगों को भटकाने की कोशिश कर रही है आम आदमी पार्टी? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ये गलत है। आम आदमी पार्टी ने आके देहरादून में चैलेंज किया था कि 5 काम गिनवा दें आप, और उत्तराखंड सरकार ने चैलेंज को स्वीकार किया था। उत्तराखंड की जनता के लिए वो काम, कौन से 5 काम किए गए उत्तराखंड की जनता के सामने ही बताए जाने चाहिए। कहीं कोई भटकाव नहीं है, दिल्ली में किसको बताने जाएंगे? उत्तराखंड में अपनी जनता के सामने कहे ना कि हमने तुम्हारे लिए ये 5 काम किए। सामने उसे 3-4 तारीख को यहाँ पर नहीं मौजूद होते हैं, तो उसका अगला कदम क्या होगा आपकी पहल पार्टी? देखिए, अगला कदम हमसे पहले इस उत्तराखंड की जनता लेगी। वो इसलिए लेगी उत्तराखंड की जनता, जब आपसे कहा था कि आप काम गिनवा दें, आपसे पूछ रहे थे हक है उत्तराखंड की जनता का, जनता का हक है कि आप बताएं कि आपने क्या काम किए। तो फिर ये फैसला भी उत्तराखंड की जनता करेगी कि अगला कदम हमको क्या उठाना चाहिए। तो क्या लगा, सही इस मुद्दे को लेकर सही एंट्री मिल गया आपको सरकार में घेरने की? देखिए, सरकार को तो अगर अच्छे काम करे सरकार तो घेरने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, और नहीं करे होंगे तो आप सरकार जरूर घेरेगी और जनता घेरेगी, आम आदमी पार्टी घेरेगी, तमाम लोग घेरेंगे। हम तो सरकार के लिए एक ही न्योता भी दिया है हमने कि जब हम जनता के बीच में जाते हैं और दुनिया भर के चुनावी वादे करके आते हैं तो जनता का हक भी बनता है कि हमसे पूछे, और पूछना चाहिए जनता को। सर, दिल्ली के मॉडल में आप एंट्री करना चाहते हैं, आपकी आसान चुनौती आसान लग रहा है आपको ये, सियासत तक पहुँच पाएंगे आप? देखिए, बार बार हमेशा PC में आप लोग ये कहते हैं केजरीवाल सरकार मॉडल ये किया, केजरीवाल की सरकार, लेकिन यहाँ से क्या एंट्री कैसे हो पाएगी? समस्या ये है, क्या मॉडल देके यहाँ के लोग विश्वास कैसे कर लेगा? देखिए, बिल्कुल आपने सही सवाल किया, क्योंकि दिल्ली में उत्तराखंड के लगभग 30 से 40 लाख लोग रहते हैं, और बीच में लॉकडाउन लगा। लॉकडाउन के दौरान वो लोग अपने गांव-गांव, गली-गली, शहर-शहर, मोहल्ला-मोहल्ला, सीमांत जिलों तक अपने घर वापस आए।
लॉकडाउन के दौरान उन्होंने स्वतः ही केजरीवाल मॉडल का प्रचार गांव-गांव गली-गली पूरे उत्तराखंड में कर दिया है। 30-40 लाख लोग जो वहां रहते हैं उनमें से लगभग 4-5 लाख लोग उत्तराखंड लौटे और उन्होंने प्रचार कर दिया है। उत्तराखंड में प्रचार की जरूरत नहीं है अब केजरीवाल मॉडल की, केजरीवाल मॉडल प्रचारित हो चुका है, लोगों ने स्वतः कर दिया है। जितने आपके मेंबर जुड़े हैं तो एक आधा को छोड़ के तो ऐसे कोई चेहरा आपके पास है ऐसा है जो अपने बूथ चुनाव जीत सकता है? देखिए जितने भी चेहरे और लोग आम आदमी जुड़ रहा है आम आदमी पार्टी से, वो सब लोग काम के बल पे, काम के बेस पे जो काम किया है आम आदमी पार्टी ने, जो हिंदुस्तान के इतिहास में पहली ऐसी पार्टी है, पहली ऐसी सरकार है दिल्ली सरकार जिसने जो कहा वो किया। श्रमिक मंत्र स्टोरी हेड आलोक शर्मा की रिपोर्ट।